ट्रेडिंग डे जो क्लोजिंग हुई थी वो रेड कैंडल फॉर्म हुई है निफ्टी में, और एक बेयरिश मोमेंटम कहा जा सकता है 17,475 पर क्लोज हुआ है निफ्टी। अवर्ली टाइम फ्रेम पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे, कहाँ पर सपोर्ट बनेगा और कहाँ पर रेजिस्टेंस आने वाले दिनों के लिए। तो आने वाले दिनों में डाउन साइड हमें बड़ी दिख रही है। अभी निफ्टी की 17,471 पर 475 पर क्लोज हुआ है, यहाँ से इमीडिएट जो नीचे के लिए सपोर्ट रहेगा वो 17,420 से 400 की रेंज सपोर्ट की रहेगी। इसके डाउन साइड आता है निफ्टी तो फिर अगला सपोर्ट निफ्टी को 17,200 की रेंज में मिलेगा, और यदि इससे भी नीचे जाता है तो फिर 17,000 की रेंज में, और ये जो 16,691 है ये एक क्रिटिकल सपोर्ट जोन रहेगा यदि डाउन साइड बनती है। अपसाइड की बात करें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पर फेस करेगा, 17,500 एक पहला रेजिस्टेंस रहेगा, उसके ऊपर 17,600 का एक बड़ा रेजिस्टेंस अभी बना हुआ है। ये तो इंट्राडे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की बात हो गई कि निफ्टी कहाँ पर सपोर्ट और कहाँ पर रेजिस्टेंस फेस करेगा। 17,500-600 एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि अपसाइड में निकलने पर अपसाइड बनेगी, वहाँ पर भी 17,700 एक रेजिस्टेंस साबित होगा। डाउन साइड में 17,400 सपोर्ट का लेवल है, उसके नीचे फिर 17,200 फिर 17,000 ये सपोर्ट के लेवल हैं। 17,100 ये कोई ज़्यादा बड़ी सपोर्ट नहीं है, अगर डाउन साइड बनेगी तो फिर तेजी से नीचे आएगा निफ्टी। अब वीकली टाइम फ्रेम पर एक बार निफ्टी को हम चेक कर लेते हैं कैसा सेटअप बन रहा है, क्योंकि वीकली टाइम फ्रेम पर चेक करना जरूरी है। वीकली टाइम फ्रेम पर निफ्टी ने अभी एक रेड कैंडल फॉर्म की है, स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल देख के ये बन रही है, तो कहीं ना कहीं एक डाउन स्विंग हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या फिर ये कहें कि यहाँ पर ये कंसोलिडेट करके निफ्टी यहाँ से एक फ्रेश अपसाइड के लिए तैयार हो रहा है। ऐसे भी हम यहाँ से उम्मीद, ये चार्ट हमें संकेत दे रहा है वीकली चार्ट, कि कहीं ना कहीं यहाँ से ये क्लाउड का सपोर्ट लेके तेज बाउंस बैक की तैयारी कर रहा है। तो एक और यही संकेत हमें MACD दिखा रहा है, कोई पॉजिटिव क्रॉसओवर की तैयारी यहाँ पर चल रही है जीरो लाइन के ऊपर, तो कहीं ना कहीं ये संकेत पॉजिटिविटी की ओर भी इंडिकेशन दे रहे हैं। RSI थोड़ा हमारा वीकली टाइम फ्रेम पर एक डाउन स्विंग दिखा रहा है, और यहाँ से अपसाइड बनेगी तो निफ्टी काफ़ी तेजी से ऊपर जाएगा, क्योंकि RSI का लेवल 50 के ऊपर है, RSI अभी हमें 53 पर है वीकली टाइम फ्रेम पर। तो ये संकेत अभी तो बेयरिश हैं, लेकिन आने वाले दिनों में हो सकता है ये मोमेंटम अपसाइड की ओर लेते हुए दिखाई दें। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की, अब चलिए निफ्टी ऑप्शन चेन देख लेते हैं कैसा डाटा निफ्टी ऑप्शन चेन पर बन रहा है। उसके लिए हम I4 ऑप्शन चेन का यूज़ करेंगे। अभी निफ्टी क्लोज हुआ है 17,475 पर, तो 17,500 का जो लेवल है यहाँ पर हमें पुट राइटिंग देखने को मिलेगी 17,500, जो कि सपोर्ट की तरह काम करेगा। 17,500 के नीचे यदि मार्केट खिसकता है तो फिर हमें 17,400 और 17,300 के लेवल सपोर्ट की तरह काम करते हुए दिखाई दे सकते हैं, और 17,300 के नीचे जाता है तो फिर हमें सीधा लेवल जो है 17,000 ये सपोर्ट की तरह दिखाई देगा। ये हमें ऑप्शन चेन कह रही है। ऊपर रेजिस्टेंस की बात करें तो 17,500 के ऊपर 17,600 एक रेजिस्टेंस का जोन है, यहाँ पर कॉल राइटिंग देखी जा रही है। उसके अलावा 17,700-17,800 ये बड़े रेजिस्टेंस जोन अभी बने हुए हैं, और 18,000 का तो एक रेजिस्टेंस जोन पहले से ही बना हुआ है। तो कहीं ना कहीं ऊपर लेवल पर रेजिस्टेंस मिलेगा और निचले लेवल पर सपोर्ट की भी हम उम्मीद कर रहे हैं। ऑप्शन चेन भी यही दिखा रही है हमें कि सपोर्ट भी है ऊपर रेजिस्टेंस भी है, तो निफ्टी में भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और वीकली जो डाटा है, वीकली जो चार्ट सेटअप है, वो थोड़ा बेयरिश अभी बना हुआ है। जब तक उसमें अपसाइड नहीं बनती है हम निफ्टी में एक फ्रेश तेजी अभी नहीं देखेंगे। निफ्टी में एक डाउन स्विंग, एक डिप लेने के बाद यहाँ पर फ्रेश मोमेंटम अपसाइड की ओर करता हुआ हमें दिखाई दे सकता है। तो ये तो बात हो गई निफ्टी की, चलिए बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी को भी हम डेली टाइम फ्रेम पर सबसे पहले देखेंगे कैसा चार्ट डाटा है, कैसा चार्ट बन रहा है बैंक निफ्टी का। बैंक निफ्टी में डेली टाइम फ्रेम पर बेयरिश कैंडल फॉर्म हुई है, बेयरिश कैंडल लेकिन क्लाउड के ऊपर हुई है, और कन्वर्जन लाइन के सपोर्ट पर खड़ा है बैंक निफ्टी अभी। यहाँ से MACD देख लेते हैं कैसा मोमेंटम है। MACD में एक नेगेटिव क्रॉसओवर बनने की तैयारी हमें दिख रही है डेली टाइम फ्रेम पर, और RSI हमें डाउन स्विंग दिखा रहा है, मतलब मोमेंटम बेयरिश है। आवर्ली टाइम फ्रेम पर इसके सपोर्ट रेजिस्टेंस हम चेक करते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के लिए, जो कि मंडे को ही बोलेगा मार्केट। तो यहाँ पर बैंक निफ्टी में सपोर्ट के जोन पर कर रहा है, बिल्कुल क्लाउड सपोर्ट पर है, स्पान बी के सपोर्ट पर है। अगर यहाँ से ब्रेकडाउन होता है तो बैंक निफ्टी सीधा रुकेगा आपका 37,100 से 37,000 के जोन में जाके बैंक निफ्टी रुकेगा, और फिर उसके नीचे हमें जो सपोर्ट मिलेगा 36,500 का सपोर्ट मिलेगा।
इसके पहले बैंक निफ्टी कहीं भी नहीं रुकेगा। और यहाँ से बैंक निफ्टी यदि अपसाइड दिखाता है तो उससे 38,000 का लेवल रेजिस्टेंस जोन है ऊपर, 38,000 के ऊपर निकलने पर ही हमें फ्रेश तेजी की उम्मीद कर सकते हैं। तो ये बैंक निफ्टी का भी सेटअप नेगेटिव है। अब वीकली टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं बैंक निफ्टी कैसा डाटा बन रहा है। बैंक निफ्टी का वीकली टाइम फ्रेम पर बैंक निफ्टी ने एक बेयरिश कैंडल फॉर्म की है, छोटी सी डोज टाइप की, क्लाउड के ऊपर ही ये पॉजिटिव है। और यहाँ से इसका जो अब सपोर्ट जोन रहेगा वो 37,000 का सपोर्ट है। 37,000 का सपोर्ट यदि होल्ड कर लेता है तो यहाँ से एक अपसाइड बनेगी जो कि बैंक निफ्टी को फर्दर अपसाइड की ओर लेकर जाएगी। लेकिन यदि 37,000 टूट जाता है तो फिर 36,500 और 36,000 तक के लेवल ये सीधा दिखा देगा। वीकली टाइम फ्रेम पर एमएससीडी में एक पॉजिटिव क्रॉस ओवर होने की तैयारी है, तो कहीं ना कहीं ये एक अच्छा सिंबल है कि मार्केट में यहाँ से एक अपसाइड बन सकती है। और आरएसआई हमें एक स्विंग दिखा रहा है नीचे की ओर, तो कहीं ना कहीं मिले जुले संकेत हैं। अगर अपसाइड बनती है तो अच्छी बात है, वरना डाउन स्विंग के पूरे पूरे चांसेस बाजार हमें दिखा रहा है। अब बात कर लेते हैं ऑप्शन चेन की। बैंक निफ्टी ऑप्शन चेन, आईपुर ऑप्शन चेन का हम यूज कर रहे हैं। यहाँ पर बैंक निफ्टी पर हमने क्लिक किया तो ये बैंक निफ्टी की ऑप्शन चेन हमारे सामने ओपन हो गई है। बैंक निफ्टी में बात करें कैसा डाटा बन रहा है, बैंक निफ्टी की क्लोजिंग है 37,464 की। यहाँ से अब बैंक निफ्टी में जो इमीडिएट सपोर्ट की बात करें तो बैंक निफ्टी में 37,500 का लेवल एक क्रिटिकल लेवल है। 37,500 के ऊपर यदि बैंक निफ्टी बना रहता है तो यहाँ पर हमें अपसाइड की उम्मीद करेंगे 37,900 तक की, 38,000 पर रेजिस्टेंस साफ हमें दिखेगा। और यदि 37,500 के नीचे यदि बैंक निफ्टी सस्टेन हो जाता है, जो कि क्लोजिंग भी 37,500 के नीचे है, तो फिर हमें नीचे के लेवल देखने को मिलेंगे। नीचे के लेवल पे सपोर्ट हमारा रहेगा 37,000 का लेवल सपोर्ट का लेवल है, उसके नीचे 36,900 भी सपोर्ट की तरह काम करेंगे। और यदि यहाँ से भी डाउन होता है तो फिर 36,500 पुट राइटिंग है। तो कहीं ना कहीं बैंक निफ्टी में 37,500 का लेवल होल्ड होना चाहिए, वापस रिक्लेम करना चाहिए बैंक निफ्टी को अपसाइड के लिए। और डाउन साइड के लिए तो फिर कोई दिक्कत नहीं है, गिरते जाओ 36,500 पे रुकेगा सीधा बैंक निफ्टी। तो ये डाटा कह रहा है बैंक निफ्टी का। आई होप आपको ये एनालिसिस समझ में आया होगा निफ्टी बैंक निफ्टी का, वीकली और डेली और इंट्राडे। पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।